कल भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस से पहले पद्म अवार्ड और भारत रत्न अवार्ड की घोषणा की। 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, 3 महान हस्तियाँ जिसमें एक प्रणव दा हैं, नानाजी देशमुख हैं और भूपेन हजारिका जी हैं। 3 को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, लेकिन प्रणव दा एक जीवंत और साक्षात हस्ताक्षर है भारत के, देश और विदेश में उनका नाम है। मेरी तरफ से TripleDotCom की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि भारत रत्न अवार्ड इन 3 के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको देना बहुत ज़रूरी था। मैं ये नहीं कहता कि इनको अवार्ड गलत दिया गया, अच्छा है, देना चाहिए। और भी भारत में ऐसी महान हस्तियाँ हैं जिनके लिए वो अवार्ड उनसे छोटा होता है लेकिन देना बहुत ज़रूरी। मैं सबसे पहले नाम लूँगा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को। सचिन तेंदुलकर का जब नाम चल रहा था, उनको जब भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था, उस वक्त मुझे लगता था कि सचिन तेंदुलकर जी के साथ में मेजर ध्यानचंद जी को भी भारत रत्न का अवार्ड दिया जाना था। उनका सहयोग, हॉकी के प्रति उनका समर्पण, देश उनको हमेशा याद रखेगा। अगर भारत में अगर हॉकी का जब भी जिक्र होता है उस वक्त मेजर ध्यानचंद जी का नाम आता है। ऐसे मेरे नज़र में और भी कुछ लोग हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। मैं समझता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र के हिंद आज़ाद हिंद फौज की जिक्र को किए बिना अगर वो नहीं होते तो शायद हम आज़ाद भी नहीं होते। मैं भगत सिंह का नाम भी लेना चाहूँगा। भगत सिंह को भी आज तक भारत रत्न का अवार्ड नहीं दिया गया। मुझे लगता है कुछ ऐसे नाम हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे लिस्ट में नाम हैं जिनको मैं, कांशीराम जी बहुजन समाज के जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए था। मैं अगर बात करूं तो कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे ज्योति बासु, 27 साल तक उन्होंने बंगाल पर राज किया और उन्होंने देश की बहुत सेवा की है। ऐसे कुछ नाम हैं जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए था और मेरी नज़र में वो लोग भी उस कैटेगरी में आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी अगली सरकार बनेगी वो सरकार 2020 में जब भारत रत्न की घोषणा करेगी तो ये 5 नाम जरूर ले, इन 5 नामों को भारत रत्न अवार्ड के लिए मनोनीत करे, मनोनीत नहीं करे उनको दिए। मेरा यही एक रिक्वेस्ट रहेगी भारत सरकार से। सबसे ऊपर नाम मेजर ध्यानचंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, कांशीराम जी और ज्योति बासु जी, ये 5 नामों को भारत रत्न के लिए TripleDotCom की तरफ से उन सभी को मैं चाहता हूँ कि उनको भारत रत्न का अवार्ड 2020 में दिया जाए। धन्यवाद।